बेसिक जो चेंजेस होते हैं फोटोसिंथेसिस में वो ये होते हैं कि फोटोसिंथेसिस कन्वर्ट्स रेडिएंट एनर्जी एनर्जी इनटू ऑफ बायोलॉजिकल सिस्टम कैन यूज यानी कि जो रेडिएंट सोलर एनर्जी उसको हम डायरेक्टली यूज नहीं कर सकते उसको एक ऐसी फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं केमिकल एनर्जी की फॉर्म में कन्वर्ट करता है फोटोसिंथेसिस जिसको बायोलॉजिकल सिस्टम यूज कर सकते हैं ओके okay? so overall definition of overall reaction of the photosynthesis is that six molecules of carbon dioxide combines with six molecule of water then in the presence of sunlight due to solar energy photosynthesis occurs it makes one molecule of glucose and six molecule of oxygen are liberated and in this process this glucose can be broken down and it can produce chemical energy in the form of atp and heat क्लियर क्लियर तक है आप सबको नेक्स्ट हम लोग ने बात की थी इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ने वाले हैं हम सबसे पहले बात करेंगे फोटोसिंथेसिस की हिस्ट्री और उसकी इंपोर्टेंस के बारे में क्लोरोप्लास्ट और फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स के बारे में यानी कि फोटोसिंथेसिस कहा होता है किस तरह से होता है मेटाबॉलिज्म ऑफ प्लांट्स डूइंग फोटोसिंथेसिस अलग अलग प्लांट्स जो फोटोसिंथेसिस कर रहे हैं उनके अंदर कौन कौन सी रिएक्शन हो रही है क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं उनका मेटाबोलिज्म क्या है वो सारी बातें हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे ठीक है थीके? अलग अलग फोटो की खुद रिएक्शन में कौन कौन सी प्रोसेसेस होती हैं कौन कौन सी रिएक्शन होती हैं क्या क्या चेंजेस आते हैं वो सारी चीजें हम लोग फोटो में पढ़ने वाले हैं ओके okay? नेक्स्ट हम लोग उसके बाद पढ़ेंगे द फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो फोटोसिंथेसिस की की रेट को अफेक्ट करते हैं ओके okay? उनके बारे में हम लोग बात बात करेंगे नेक्स्ट हमने बात की थी फोटोसिंथेसिस की इम्पोर्टेंस के बारे में कि क्या क्या चीजें होती हैं सबसे इंपॉर्टेंट फोटोसिंथेसिस इज द प्राइमरी सोर्स ऑफ फूड ऑन अर्थ अर्थ के ऊपर फूड का प्राइमरी सोर्स है फोटोसिंथेसिस

पूरे बायोस्फीयर में जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उनकी सबकी बॉडीज जो है वाटर के अलावा वो लैंड प्लांट्स की वजह से, से, तो से, से बनते हैं और नाइन्टी परसेंट एक्वेटिक प्लांट यानी कि ओशियन में रहने वाले वाटर में रहने वाले प्लांट्स की वजह से बनता है लेकिन प्रोडक्टिविटी यानी कि कौन ज्यादा बना पाता है पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया कौन ज्यादा बायोमास बनाता है या कौन ज्यादा ड्राई मैटर बनाता है तो आंसर होगा लैंड प्लांट्स क्योंकि लैंड प्लांट जमीन पर रहने वाले टेरेस्ट्रियल प्लांट्स वो प्लांट्स 68 परसेंट ऑफ ड्राई मैटर बनाते हैं तो आपको ये सारे फैक्ट्स याद रखने हैं नेक्स्ट हमने बात की थी अर्लियर नॉलेज के बारे में पहले से हमको क्या पता है फोटोसिंथेसिस के बारे में तो वी डिस्कस दैट जो फोटोसिंथेसिस के बारे में इन्वेस्टिगेशन थे इसके बारे में जो पता लगाना हमने शुरू किया वो तो लगभग 300 साल पहले लगाना शुरू किया ठीक है हमको मालूम चला कि क्लोरोफिल जो होता है लाइट होती है या कार्बन डाइऑक्साइड होती है उसकी फोटोसिंथेसिस में जरूरत होती है इसको कंफर्म करने के लिए हमने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए तो एक एक करके हम लोग इन एक्सपेरिमेंट्स को समझेंगे ठीक है इन एक्सपेरिमेंट को एक एक करके हम समझते हैं ओके okay. तो so, इसमें हमने जो बात की थी स्टार्स टेस्ट के बारे में बात की थी मोल्स हाफ लीफ एक्सपेरिमेंट के बारे में बात की थी तो एक बार फिर से उनको समझो फिर हम लोग नए एक्सपेरिमेंट्स के बारे में बात करेंगे पहले हम बात करते हैं स्टार्च टेस्ट की स्टार्च टेस्ट में क्या करते हैं हम लोग एक डी स्टार्च प्लांट लेते हैं जिसके अंदर बहुत टाइम से फोटोसिंथेसिस नहीं हुआ है फूड नहीं है कमजोर सा एक पौधा लेते हैं वेरीगेटेड जिसको बोलते हैं इसकी वेरीगेटेड है वेरीगेटेड लीव का मतलब है जो आप देखते हो ना जिस लीव का कलर फेड हो जाता है उसमें से स्पॉट स्पॉट बन जाते हैं यानी कि वो ठीक से फोटोसिंथेसिस नहीं कर रही है ऐसी लीफ को हम वेरीगेटेड लीफ बोलते हैं तो वेरीगेटेड लीफ वाला डी स्टार्च प्लांट हमने लिया फिर उसकी दो तीन लीफ को हमने ब्लैक पेपर से कवर किया पूरे प्लांट को एक दो घंटे के लिए सनलाइट में रखा ठीक है फिर हमने क्या किया एक कवर्ड प्लांट प्लांट की एक कवर्ड लीफ ली और एक अनकवर्ड लीफ ली दोनों लीफ के ऊपर हमने स्टार्च टेस्ट किया स्टार्च टेस्ट कैसे करते हैं उनके ऊपर उनको एथेनॉल में बॉईल करते हैं उसके बाद वॉश करते हैं वॉश करने के के बाद उनके ऊपर आयोडीन डाल के देखते हैं अगर आयोडीन ब्लू कलर देता है तो स्टार्च पॉजिटिव है यानी कि स्टार्च प्रेजेंट है अगर ब्लू कलर नहीं देता है तो स्टार्च नेगेटिव है ठीक है तो जब हमने ये एक्सपेरिमेंट किया तो क्या पता चला हमको कि जो पत्ती कवर्ड थी वो स्टार्च के लिए नेगेटिव आई और जो पत्ती अनकवर्ड थी खुली हुई थी वो स्टार्च के लिए पॉजिटिव आई ठीक है तो इसका मतलब क्या हुआ सनलाइट यानी कि फोटोसिंथेसिस के लिए स्टार्च बनने के लिए सनलाइट का होना बहुत ज्यादा जरूरी है क्योंकि जो कवर्ड लीफ थी उसके ऊपर सनलाइट नहीं पहुंच पाई इसलिए वहां पर फोटोसिंथेसिस नहीं हुआ और कवर्ड लीफ स्टार्च टेस्ट के लिए नेगेटिव रहती है नेक्स्ट हमने एक और एक्सपेरिमेंट के बारे में बात की थी अ वेरी फेमस एक्सपेरिमेंट इसमें देखो सॉरी uh, मोल्स हाफ लीफ एक्सपेरिमेंट मोल्स हाफ लीफ एक्सपेरिमेंट से हमें पता चलता है कि फोटोसिंथेसिस के लिए कार्बन डाइऑक्साइड कितनी जरूरी है तो इसमें क्या किया मोल ने मोल ने एक प्लांट लिया उसकी एक लीफ को आधा एक बोतल के अंदर उन्होंने बंद कर दिया उस बोतल के अंदर के ओ एच सोल्यूशन में भीगा हुआ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन में भीगा हुआ एक कॉटन रखा ये के ओ एच क्या करता है ये सीओ टू को एब्जॉर्ब कर लेता है इसका मतलब उस बोतल में अब सीओ टू नहीं है तो बॉटल में सीओ टू नहीं है उसके अंदर आधी पत्ती लगी हुई है जैसा आप डायग्राम में देख सकते हो ठीक है जबकि उसी लीफ का आधा हिस्सा बाहर बाहर एयर में एक्सपोज था तो बाहर वाले हिस्से को CO2 मिल रही थी कार्बन डाइऑक्साइड मिल रही थी लेकिन के अंदर वाले हिस्से को कार्बन डाइऑक्साइड नहीं मिल रही थी ठीक है तो जब बाद में हमने इस लीफ को निकाला और इसको स्टार्च के लिए टेस्ट किया तो सिर्फ जो हिस्सा बाहर खुला हुआ था उसी में स्टार्च बना बॉटल के अंदर वाले हिस्से में स्टार्च नहीं बना क्यों नहीं बना क्योंकि अंदर वाले हिस्से में कार्बन डाइऑक्साइड नहीं थी इससे प्रूव होता है कि फोटोसिंथेसिस के के लिए लिए स्टार्च बनाने के लिए, कार्बन डाइऑक्साइड भी जरूरी है ओके okay? अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और कुछ और एक्सपेरिमेंट्स और हिस्ट्री के बारे में बात करते हैं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कई बार पूछ लिया जाता है किसने कौन सा एक्सपेरिमेंट किया था या किस एक्सपेरिमेंट से हमको क्या कंक्लूजन मिला ये सारी चीजें पूछी जाती हैं एग्जाम में तो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस पढ़ने से पहले हमको वहां तक पहुंचना जरूरी है देखो इसको एक स्टोरी की तरह लेंगे हम लोग किस तरह से शुरुआत हुई देखो आ, सन देखो यहाँ पर 1733 से हमारी जर्नी स्टार्ट हुई है और आज हम कितनी सारी नॉलेज हमारे पास फोटोसिंथेसिस के बारे में है तो ये बड़ी ही एक इंटरेस्टिंग जर्नी है और इस जर्नी को हम लोग साथ में कंप्लीट करेंगे तो सबसे पहले हम बात करेंगे जोसेफ प्रिस्ले की तो ये एक्सपेरिमेंट से आपको बोर नहीं होना है दे वेरी वेरी इंटरेस्टिंग एक्सपेरिमेंट देखो किस तरह से स्टेप वाइज हमारी नॉलेज बढ़ती जाती है सिर्फ इसी में नहीं साइंस के हर फील्ड में या किसी भी फील्ड में स्टेप वाइज जो नॉलेज बढ़ती है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट तो हमको अगर किसी चीज को ईजिली याद करना है अच्छे से समझना है या उसके बारे में पूरी एक फीलिंग डेवलप करनी है तो उसकी स्टोरी पीछे की पता होना जरूरी है ओके okay, तो सबसे पहले हम बात करते हैं देखो हमने स्टार्च टेस्ट की बात की मोल साफ लीफ एक्सपेरिमेंट की बात की ये जो जर्नी है फोटोसिंथेसिस की ये स्टार्ट हुई जोसेफ प्रिस्ले के साथ ओके okay, जोसेफ प्रिस्ले आपने इनका नाम पहले भी कहीं सुना होगा जोसेफ प्रिस्ले का एक्सपेरिमेंट बड़ा ही इंपॉर्टेंट था फोटो के लिए उन्होंने ये डिस्कवर किया कि प्लांट ग्रीन प्लांट के लिए ग्रीन प्लांट्स की ग्रोथ के लिए एयर का क्या रोल है एयर का क्या रोल है एयर कैसे इंपॉर्टेंट होती है एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट जोसेफ प्रिसली ने ही ऑक्सीजन को डिस्कवर किया था ऑक्सीजन द डिस्कवरी ऑफ ऑक्सीजन इज क्रेडिटेड टू जोसेफ प्रिसली इट वाज डन इन 1774 1774 में जोसेफ प्रिसली ने जोसेफ प्रिसली ने ऑक्सीजन को डिस्कवर किया नेक्स्ट अब हम उनके एक्सपेरिमेंट की बात करते हैं तो बड़ा ही इंटरेस्टिंग सा एक्सपेरिमेंट किया उन्होंने उन्होंने क्या किया एक कैंडल ली है ना कैंडल को जलाया उस कैंडल के पास एक चूहा रखा और दोनों को एक जार से ढक दिया जैसे कि आप पहले ये डायग्राम में देख सकते हो ये डायग्राम के अंदर देखो एक कैंडल ली एक चूहा रखा और उसको एक जार से ढक दिया ये शुरुआती कंडीशन थी कुछ टाइम के बाद क्या हुआ अभी उनको नहीं पता है कुछ ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड फोटोसिंथेसिस ठीक है क्या हुआ कुछ टाइम के बाद वो कैंडल बुझ गई जैसे कि बुझ जाती है है ठीक लेकिन जैसे ही कैंडल कैंडल बुझी जब तक तक जल रही थी तब तो चूहा जिंदा था लेकिन कैंडल बुझने के बाद चूहा भी मर गया ठीक है चूहा भी मर गया तो ये एंडिंग कंडीशन हुई लेकिन फिर उन्होंने सेम एक्सपेरिमेंट किया और एक छोटा सा चेंज उसके अंदर किया उन्होंने क्या किया कैंडल भी रखी चूहा भी रखा और साथ में एक मिंट का पुदीने का जो पौधा होता है वो पौधा उस जार के अंदर रख दिया ठीक है ये पौधा रखने से लंबे समय तक जितने समय तक पहले कैंडल भी बुझ जा रही थी और चूहा भी मर जा रहा था लेकिन यहाँ पे क्या हुआ जब उन्होंने मिंट का पौधा रखा तो कैंडल भी लंबे टाइम तक जलती रही और चूहा भी जिंदा रहा देख सकते हो कितना इंपॉर्टेंस है प्लांट्स के हमारे लाइफ में तो एक बंद डब्बे के अंदर अगर एक प्लांट है तो वो कैंडल को भी जिंदा रख रहा है और माउस को भी जिंदा रख रहा है इससे जोसेफ प्रिस्ले ने क्या कंक्लूड किया जोसेफ प्रिस्ले ने ये कंक्लूड किया कि देखो ये जो कैंडल जल रही है ये जो चूहा ब्रीद कर रहा है सांस ले रहा है ना ये कुछ ना कुछ वहां की जार के अंदर की एयर को खराब कर दे रहे हैं है ना जार के अंदर अंदर की एयर को फाउल कर रहे हैं ये खराब कर, है, कर रहे हैं कुछ ना कुछ डिस्टर्ब कर रहे हैं लेकिन जब मैं उसमें पौधा रखता हूँ जब उसके अंदर प्लांट रखा जाता है तो वो जो भी खराबी इस चूहे ने और इस कैंडल ने की है उस खराबी को वो प्लांट रिस्टोर कर देता है जो कमी इस बन, बर्निंग कैंडल या ब्रीदिंग माउस की वजह से आती है जार के अंदर उसको ये प्लांट रिस्टोर कर देता है ये उन्होंने कंक्लूड किया उन्होंने ज्यादा कुछ नहीं बताया बाद में जाकर के उन्होंने ऑक्सीजन की डिस्कवरी की क्लियर है तो यहां तक समझ में आया इसका मतलब प्लांट्स कुछ ऐसा करते हैं अभी तक हमें यही पता चला है कि प्लांट्स कुछ ऐसा करते हैं जिसकी वजह से वो एयर को रिस्टोर करते हैं एयर के अंदर जो खराबी आती है उसको वो ठीक करते हैं समझ में आई बात नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं अगले एक्सपेरिमेंट के बारे में अगला एक्सपेरिमेंट है हान इंगेस हाउस का एक्सपेरिमेंट ये इनकी लाइफ साइकिल थी लगभग सेवनटीन थर्टी से सेवनटीन नाइनटी नाइन तक ओके इन्होंने प्रूव किया फोटोसिंथेसिस के लिए फोटोसिंथेसिस का नाम अभी नहीं लेते हम लोग अब प्रिस्ले ने बताया कि प्लांट्स जो हैं वो एयर को सही करते हैं साफ करते हैं, को सही कर रहे हैं ना एयर को सही तो करते हैं सही बात है प्रिस्ले साहब ने सही कहा लेकिन इस काम को करने के लिए प्लांट्स को सनलाइट की जरूरत होती है ठीक है ये किसने प्रूव किया जैन ने अब हम देखते हैं कि कैसे प्रूव किया इन्होंने तो जिंग प्रूव दैट सनलाइट इज एसेंशियल फॉर द प्लांट प्रोसेस दैट टू तो द एयर फाउल्ड बाई बर्निंग कैंडल एंड ब्रीदिंग माउस क्या बोला इन्होंने कि जो एयर प्योरीफाई हो रही है जो प्लांट्स जो है एयर को प्योरिफाई कर रहे हैं फाउल्ड मतलब खराब की गई है ना तो जो कैंडल बर्न हो रही थी जो माउस ब्रीद कर रहा था उससे एयर खराब हो गई थी उसको प्लांट प्योरिफाई करते हैं लेकिन प्लांट्स को उस एयर को प्योरीफाई करने के लिए सनलाइट की जरूरत होती है सनलाइट जरूरी कैसे प्रूव किया उन्होंने 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 ऐसा प्रूव किया कि उन्होंने एक प्लांट लिया एक प्लांट मतलब आप जानते हो पानी में रहने वाले प्लांट उन्होंने लिया हाइड्रिला हाइड्रिला नाम का एक प्लांट उन्होंने लिया पानी में ग्रो करता है ठीक है उन्होंने उन्होंने सिंपल उस प्लांट को ग्रो होने दिया लेकिन इतना डिफरेंस कर दिया कि कुछ प्लांट्स को तो उन्होंने अंधेरे में रखा डार्क में रखा इन रूम विद लो लाइट और एक कुछ प्लांट्स को उन्होंने ब्राइट सनलाइट वाले धूप वाले जहां पे अच्छे से प्रकाश आ रहा था सनलाइट आ रही थी ऐसे रूम में रखा ठीक है दोनों एक साथ ही बनाए गए दोनों एक साथ ही उगाए गए लेकिन एक को अंधेरे में रखा और एक को सनलाइट के अंदर रखा तो उन्होंने ऑब्जर्व किया कि जो प्लांट सनलाइट में रखे हुए थे जो प्लांट सनलाइट में रखे हुए थे उनके पानी में बबल्स बनना शुरू हो गए बुलबुले बनना शुरू हो गए सोचो तो किस वजह से आए होंगे बुलबुले ये yes, यू आर करेक्ट ऑक्सीजन की वजह से आए होंगे ठीक है तो सनलाइट के अंदर प्लांट के फोटोसिंथेसिस होता है ऑक्सीजन लिबरेट होती है जिससे बबल्स बनते हैं जबकि ये बबल्स अंधेरे वाले प्लांट के अंदर नहीं आए बाद में मा उनको मालूम चला कि ये जो बबल्स बन रहे हैं सनलाइट के अंदर उनको वो ऑक्सीजन के बबल्स है ठीक है इसका मतलब जो ग्रीन प्लांट्स हैं वो सनलाइट की प्रेजेंस में ऑक्सीजन प्रोड्यूस कर सकते हैं सनलाइट की प्रेजेंस में ग्रीन प्लांट्स ऑक्सीजन प्रोड्यूस कर सकते हैं या फिर दूसरे तरीके से ये भी बोल सकते हैं कि प्लांट्स को फोटोसिंथेसिस के लिए सनलाइट की जरूरत होती है देखो कितने छोटे छोटे सिंपल सिंपल एक्सपेरिमेंट है लेकिन इनसे हमें कितनी बड़ी बड़ी बातें मालूम चली ठीक है ना ना चलिए। तो यही साइंस का मजा है यही बायोलॉजी का मजा है तो आगे देखते हैं हम लोग और एक्सपेरिमेंट के बारे में बात करते हैं नेक्स्ट अपना एक्सपेरिमेंट है जूलियस वॉन सेक्स जूलियस वॉन सेक्स 1854, इन्होंने फाइंड आउट किया अब धीरे धीरे स्टेप वाइज बढ़ते जा रहे हैं point है, ये पूछा गया है कई बार कि ये किसने बताया कि फोटोसेंथेसिस का जो प्रोडक्ट होता है रिजल्ट होता है वो ग्लूकोज होता है तो उसका क्रेडिट जाता है जूलियस वॉन सेक्स को ठीक है जूलियस वॉन सेक्स ने ये पता लगाया कि जो ग्लूकोज है वो ग्लूकोज बनता है फोटोसिंथेसिस से, और मोस्ट इम्पोर्टेंटली उन्होंने ये भी बताया कि बनता तो ग्लूकोज है लेकिन स्टोर होता है स्टार्च की फॉर्म में किसकी फॉर्म में स्टार्च स्टोर होता है स्टार्च की फॉर्म में तो ग्लूकोज बनता है और ग्लूकोज स्टार्च की फॉर्म में स्टोर होता है है ये किसने बताया जूलियस ने 1854 क्लियर है सबको उसके अलावा इनके और भी बहुत सारे कंट्रीब्यूशन है उन्होंने बोला कि भाई सिंपल बोला कि देखो इसके अंदर जो हरा हरा पार्ट होता है ना प्लांट्स के अंदर जो हरी हरी चीज होती है जिसको आज हम क्लोरोफिल के नाम से जानते हैं वो स्पेशल बॉडीज के अंदर रहता है स्पेशल चीजों के अंदर रहता है प्लांट हाँ हाइड्रोपोनिक्स भी वेरी गुड वेरी गुड श्रावणी हाइड्रोपोनिक्स भी जूनियर वन सेक्स में ओके अब इन्होंने ये भी बताया कि क्लोरोफिल जिसको आज हम क्लोरोफिल के नाम से जानते हैं वो ग्रीन कलर का सब्सटेंस वो किसमें होता है प्लांट्स के अंदर स्पेशल बॉडीज़ में होता है और उन स्पेशल बॉडीज को आज हम क्लोरोप्लास्ट के नाम से जानते हैं तो एक तरह से फर्स्ट आइडेंटिफिकेशन जो था क्लोरोफिल का और क्लोरोप्लास्ट का वो भी किसने किया जूलियस वॉन सेक्स ने किया तो जूलियस वॉन सेक्स का कॉन्ट्रीब्यूशन आपको याद रखना है He told us that uh, glucose is the result of photosynthesis. It is stored as starch. He also he uh, told that that the green color

टेड होने लगे ठीक है थोड़े से एडवांस होने लगे तो नेक्स्ट हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट आता है टी डब्ल्यू एंगलमैन का ठीक है तो अभी आपको फोकस थोड़ा सा और बढ़ाना पड़ेगा टी डब्ल्यू एंगलमैन एटीन फोर्टी थ्री टू नाइनटीन जीरो नाइन उन्होंने जो प्लांट यूज किया मैंने प्लांट्स के नाम इसलिए अलग अलग लिख रखे बेटा क्योंकि ये पूछे जाते हैं तो आपको नाम जरूर याद रखने हैं एंगल मैन ने एक ग्रीन एल्गी को किया। जो होता होता है है वो एलगी सिंगुलर उन्होंने ग्रीन एलगी को उन्होंने यूज किया ठीक है उनको ये पता लगाना था अभी हमें ये तो बता दिया इंडियन हाउस ने कि जो फोटो सिंथेसिस है वो सनलाइट की वजह से होता है लेकिन उन्होंने सोचा यार कि सनलाइट के अंदर तो बहुत सारे अलग अलग कलर की वेवलेंथ होती है से कौन से कलर में फोटोसिंथेसिस ज्यादा अच्छा होगा ऐसा सोचा तो ऐसे सोचते हैं होगा अगर तो उसके लिए उन्होंने बहुत ही स्मार्ट साक्सपेरिमेंट एक डिजाइन किया अब अभी तक देखो सोचो की अभी तक हमारे पास क्या क्या नॉलेज है हमको मालूम है की लाइट की जरूरी है हमको मालूम है की ऑक्सीजन रिलीज होती है ना तो अगर अभी मेरे को पता करना है कि भाई ऑक्सीजन रिलीज हो रही है कि नहीं हो रही है बड़ा स्मार्ट सा तरीका निकाला कि भाई ऑक्सीजन मेरे को कैसे काउंट करनी है तो उन्होंने बड़ा स्मार्ट सा तरीका ये निकाला कि उन्होंने लिए एरोबिक बैक्टीरिया है ना बैक्टीरिया उन्होंने लिए एरोबिक बैक्टीरिया लेने से क्या हुआ कि ज्यादा ऑक्सीजन होगी तो एरोबिक बैक्टीरिया ज्यादा ग्रो करेंगे ऑक्सीजन नहीं होगी तो एरोबिक बैक्टीरिया ग्रो नहीं करेंगे या कम ग्रो करेंगे तो जिधर ज्यादा फोटोसिंथेसिस हुआ ज्यादा ऑक्सीजन ज्यादा बैक्टीरिया कम फोटोसिंथेसिस हुआ कम ऑक्सीजन कम बैक्टीरिया ठीक है तो इस्तेमें मालूम चल जाएगा कि भाई कौन सी लाइट में फोटोसिंथेसिस ज्यादा होता है लेकिन अब लाइट को अलग अलग कैसे करें तो लाइट को अलग करने के लिए उन्होंने प्रिज्म का इस्तेमाल किया था आपने शायद फिजिक्स में पढ़ा हो प्रिज्म प्रिज्म जानते हो ना क्रिस्टल जैसा होता है जिसके ऊपर आप सिंपल लाइट डालते हो तो वो उसके जो सिंपल लाइट को उसके इंग्रेडिएंट्स में डिवाइड कर देता है सिंपल नॉर्मल लाइट उसके ऊपर पड़ती है तो अलग अलग कलर की लाइट उससे निकलती है तो इन्होंने भी क्या किया एंगल ने बड़ा खूबसूरत एक्सपेरिमेंट है मेरा फेवरेट एक्सपेरिमेंट है ये क्या किया उन्होंने उन्होंने नॉर्मल लाइट को प्रिज्म के ऊपर डाला फिर प्रिज्म के ऊपर डालने से वो लाइट अलग अलग कलर में पूरे में, पूरा जो आपका और उन्होंने क्या किया उस अलग अलग कलर पे क्लेडोफोरा एलगी को रखा क्लेडोफोरा एलगी कैसी एलगी होती है एक फिलामेंटस एलगी होती है धागे जैसी एलगी होती है आपने छोटी क्लासेस में पढ़ा होगा क्लेडोफोरा आई थिंक एट या नाइन्थ में आपके पास तो आया। फिर हमने एग्जाम्पल में पढ़ा है प्लांट किंगडम में फिलामेंटस एलगी होती है इस तरह की लंबी है ना और उसको किस में रखा उन्होंने एरोबिक बैक्टीरिया के सॉल्यूशन में जैसे एक बॉक्स यहाँ रखा एक रखा, एक रखा, एक रखा 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 ऐसे हर एक कलर की लाइट के सामने उन्होंने एक एक बीकर रख दिया है ना और उस बीकर के अंदर एरोबिक बैक्टीरिया का सॉल्यूशन रखा अब उसके पास अलग अलग कलर की लाइट जा रही थी एक बॉक्स के ऊपर ब्लू कलर की वॉयलेट कलर की इंडिगो कलर की ब्लू कलर की ग्रीन कलर की येलो कलर की ऑरेंज कलर की रेड कलर की इस तरह से सारी लाइट लाइट अलग 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 डब्बों पे गिर रही थी है ना बाद में उन्होंने देखा कि भाई किसमें ग्रोथ ज्यादा हुई किसमें ग्रोथ ज्यादा होगी जिसमें फोटोसिंथेसिस ज्यादा होगा ऑक्सीजन ज्यादा निकलेगी ऑक्सीजन ज्यादा निकलेगी तो बैक्टीरिया भी ज्यादा ग्रो करेंगे तो फिर उन्होंने जब बाद में चेक किया तो उनको मालूम चला कि सबसे ज्यादा बैक्टीरिया की ग्रोथ जो हुई वो एक तो ब्लू कलर में और एक रेड कलर में हुई ब्लू कलर की लाइट में और रेड कलर की लाइट में इस डायग्राम में आप देख सकते हो मान के चलो बीच में एलगी क्या है क्लेडोफोरा इसके ऊपर अलग अलग वेवलेंथ की लाइट पड़ रही है तो सब और ये व्हाइट व्हाइट कलर के क्या है बैक्टीरिया है तो ये देखो सबसे ज्यादा बैक्टीरिया किसमें है एक तो ब्लू कलर में और दूसरे रेड कलर तो इसका मतलब पूरी व्हाइट लाइट में से भी फोटोसिंथेसिस के लिए सबसे अप्रोप्रिएट लाइट कौन सी है ब्लू लाइट एंड रेड लाइट इसमें से कौन सी बेटर है वो हम आगे पढ़ेंगे और डिटेल में इसको समझेंगे ओके okay? नेक्स्ट uh, हम लोग थोड़ा सा बात करते हैं इसमें देखो कि ये जो इन्होंने स्पेक्ट्रम बनाया लाइट का स्पेक्ट्रम ये सबसे पहला विजिबल स्पेक्ट्रम था जो उन्होंने प्रिज्म को यूज किया एक्शन स्पेक्ट्रम एक्शन स्पेक्ट्रम का मतलब होता है बेटा फोटोसिंथेसिस ठीक है ऐसा स्पेक्ट्रम बनाना जिससे हम फोटोसिंथेसिस की रेट को रिलेक्ट कर सकें जिसमें फोटोसिंथेसिस ज्यादा हो रहा है कहां पे कम हो रहा है कौन सी लाइट में फोटोसिंथेसिस ज्यादा हो हो रहा रहा है है कौन सी में कम हो रहा है। इसको हम एक्शन 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 स्पेक्ट्रम बोलते हैं तो स्पेक्ट्रम फर्स्ट एक्शन स्पेक्ट्रम किसने बनाया टी डब्ल्यू एंगलमैन ने बनाया समझ में आई बात सबको ओके तो बात समझ में आई आप लोग को टी डब्ल्यू एंगलमैन ने क्या एक्सपेरिमेंट किया नेक्स्ट हम लोग अब एक बात और कर लेते हैं यहाँ तक जो भी डेवलपमेंट हुए फोटोसिंथेसिस को लेकर तो अभी तक क्या हुआ था एंगलमैन के टाइम के बाद तक फोटोसिंथेसिस की पूरी रिएक्शन हमको मालूम नहीं थी अभी तक बैलेंस रिएक्शन मालूम नहीं थी अभी तक हमको क्या मालूम चल गया अभी तक हमें ये मालूम चल गया कि कार्बन डाइऑक्साइड होती है वाटर से जुड़ती है लाइट की प्रेजेंस में कोई ना कोई कार्बोहाइड्रेट बनाती है बस इतना मालूम है कोई ना कोई कार्बोहाइड्रेट के लिए हमने क्या किया एम्पेरिकल फॉर्मूला लिख दिया उसका कॉमन फॉर्मूला लिख दिया सी एच टू ओ प्लस ओ टू ठीक है सी एच टू ओ प्लस ओ टू तो बेसिक ही मालूम चल गया ओके okay? तो अभी तक सिर्फ हमको इतना ही मालूम था कि सीओ टू प्लस एच टू ओ मेक्स इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट वॉटर एच टू ओ एंड ऑक्सीजन ओके नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं Neel, इनका भी बड़ा एक्सपेरिमेंट किया? किया इन्होंने क्या किया ये जो पुरानी वाली हमारी इक्वेशन थी ना इस इक्वेशन को थोड़ा सा मतलब दी ठीक है अब देखते हैं इन्होंने कितना इंपॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट किया नेक्स्ट इज कॉर्निलियस ही नीलड ऑन ग्रीन एंड पल्पर सल्फर बैक्टीरिया उन्होंने किसके ऊपर काम किया उनका जो मॉडल मॉडलिज्म था वो था ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया एंड पर्पल सल्फर बैक्टीरिया आप लोग जानते होंगे कि ग्रीन ग्रीन एंड पर्पल पर्पल सल्फर बैक्टीरिया जो है, वो है 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 और एक डिफरेंस क्या पिगमेंट्स का डिफरेंस है ठीक है ये दोनों क्या करते हैं अलग अलग टाइप के ये आ, डोनर का जो डोनर की जरूरत होती है प्रोटोन डोनर की जैसे आप जानते हो कि फोटोसिंथेसिस एक रिडक्शन रिएक्शन होगी है ना रिडक्शन का आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा जैसे CO2 है ठीक है तो CO2 से हमें ग्लूकोस बनाना है तो कार्बन उसके पास पहले से है ऑक्सीजन पहले से हमने क्या ऐड किया प्रोटॉन्स ऐड किए और जब किसी चीज में प्रोटॉन्स ऐड करते हैं तो उसका रिडक्शन बोलते हैं रिडक्शन के लिए प्रोटॉन ऐड करना जरूरी है और प्रोटॉन ऐड कैसे करेंगे कि कोई ना कोई हमको प्रोटॉन डोनर चाहिए कोई ऐसा मॉलिक्यूल चाहिए जो प्रोटॉन डोनेट कर सके ठीक है तो अब हम इसके बारे में समझते हैं कि वॉन नील ने क्या बताया ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस हाइड्रोजन इज फ्रॉम ऑक्सीडाइजेबल कंपाउंड सीओ टू इंटू कार्बोहाइड्रेट ठीक है हाइड्रोजन यानी कि प्रोटॉन्स प्रोटॉन्स किसी ना किसी ऑक्सीडाइजेबल कंपाउंड से आते हैं फिर वो प्रोटॉन्स सीओ टू से जुड़ जाते हैं और कार्बोहाइड्रेट में बदल जाता है ठीक है तो वो कंपाउंड खुद कैसा होना चाहिए जिससे प्रोटॉन को निकाला जा सके जैसे वाटर बाद में मालूम चला जैसे वाटर है तो water है ना तो एच टू एच टू H2O क्या करता है प्रोटोन डोनेट करता है एच प्लस और ओ एच माइनस में डिवाइड हो जाता है ना तो वो प्रोटोन को डोनेट कर रहा है इसका मतलब वॉटर का क्या हो रहा है ऑक्सीडाइजेशन ठीक है तो वाटर कैसा कंपाउंड है एक ऑक्सीडाइजेबल कंपाउंड है जो कि प्रोटॉन्स डोनेट करता है फिर ये प्रोटोन चले जाते हैं सीओ के पास तो सीओ का क्या हो रहा है रिडक्शन हो रहा है जिससे कार्बोहाइड्रेट कि ग्लूकोज बनते हैं क्लियर बेटा बात समझ में में आई सबको तो उन्होंने 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 इससे क्या पता चला उन्होंने साथ में उन्होंने ये भी बताया कि जो ऑक्सीजन निकलती है ना ऑक्सीजन ये वाटर से आती है दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये जो ऑक्सीजन निकल रही है ये सीओ से नहीं आती है कार्बन डाइऑक्साइड से नहीं आती है ये वाटर से आती है तो उन्होंने एक कॉमन फॉर्मूला दिया टू एच टू ओ एच टू ओ की, की जगह उन्होंने क्या कर दिया यहाँ पर एच टू ए क्योंकि उन्होंने पर्पल सल्फर बैक्टीरिया पे भी काम किया था और वहां पर जो प्रोटॉन डोनर होता है वो वॉटर ना होकर के एच टू एस होता है एच टू ओ ना होकर के एच टू एस होता है तो पर्पल बैक्टीरिया में ऑक्सीजन की जगह सल्फर गैस निकलती लेकिन दोनों एक ही तरह से काम कर रहे हैं एच टू ओ और एच टू एस ठीक है तो अब देखो यहाँ पर दो मोलिक्यूल एस टू एस टू ए के आए सीओ टू के साथ कंबाइन किया दो मोलिक्यूल ए के बना दिए है ना और एक कार्बोहाइड्रेट बना दिया CH2O, और एक वाटर का मोलिक्यूल रिलीज हो गया अब ये एस टू ए कुछ भी हो सकता है A की जगह ओ भी आ सकता है और एस भी आ सकता है अगर ओ आएगा तो वाटर है जिससे ऑक्सीजन गैस लिबरेट होगी यानी कि टू ए की जगह क्या हो जाएगा ओ टू और अगर ये एच टू ए जो है वो इसके अंदर ए एस हुआ तो क्या बन जाएगा H2S ठीक है तो H2S जब यूज करेंगे एज अ डोनर तो फिर सल्फर गैस निकलेगी यानी कि 2A की जगह क्या हो जाएगा S2 बात समझ में आई तो कॉर्निलियस वॉन ने बताया कि जो ऑक्सीजन है वो किससे आती है एक ऑक्सीडाइजेबल कंपाउंड से आती है वो वाटर हो सकता है या H2S हो सकता है उसको समझाने के लिए उन्होंने यहां पे एक कॉमन डेफिनेशन दी ओके okay. ये बात हुई कॉर्निलियस वॉन नील की ठीक है तो ओवरऑल रिएक्शन की अगर हम बात करें ओवरऑल इक्वेशन जो है फोटोसिंथेसिस की वो आपका <coughs> अब जा करके हमको जब धीरे-धीरे हम डेवलप करते रहे करते रहे करते रहे तब जाके हमको एक कंप्लीट इक्वेशन मिली फोटोसिंथेसिस की दैट इज 6 CO2 टू H2O ओके इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट मेक्स 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोस व्हिच इज C6H12O6 प्लस इटेलिब्रेट्स

ये जो ऑक्सीजन आ रही है वो वाटर से ही आ रही है ठीक है कैसे पता किया उन्होंने वाटर के अंदर जो उन्होंने ऐसे ऑक्सीजन को यूज किया है ना ऑक्सीजन जैसे नॉर्मल ऑक्सीजन है तो उसका तो हमें कोई ट्रेस मिलता नहीं है तो हम पता नहीं लगा सकते कि ये कहां से आ रही है। तो रूबेन और कामेन ने क्या किया उन्होंने नॉर्मल ऑक्सीजन की जगह ऑक्सीजन का हैवी आइसोटोप जो कि रेडियो एक्टिव नहीं है आइसोटोप जानते हो ना सब समस्थानिक ठीक है तो जो कि हैवी आइसोटोप है रेडियो एक्टिव नहीं है लेकिन हैवी आइसोटोप है ऑक्सीजन 18 उस ऑक्सीजन 18 को उन्होंने यूज किया क्योंकि इसको ट्रैक किया जा सकता है इसको ट्रेस किया जा सकता है और उससे उन्होंने कंफर्म किया कि ये जो ऑक्सीजन निकल रही है ऑक्सीजन लिबरेट हो रही है वो वॉटर से आ रही है ना कि कार्बन डाइऑक्साइड से इसने कंफर्म किया आइसोटोप को यूज करके रूबेन एंड कॉन विद बात समझ में आई सबको So, ये बात हुई हमारे आज तक के फोटो के बारे में और हम लोग डिटेल करेंगे और बात करेंगे नेक्स्ट सेशन के अंदर टिल देन कीप स्टडिय कीप रिवाइजिंग